स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के सप्लीमेंट्री सेंटर से लेसन 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइट अलोन। ऑल राइट ठीक है, आई सेड मैं बोला, एनी वे यू हैव, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइट अलोन। लेकिन याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइट अलोन, मुझे भी तुम अकेले सवारी करने का अवसर दोगे। ठीक है, मैं बोला, पर याद रखो, तुम मुझे भी अकेले सवारी करने का अवसर दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीरे रन। आई गॉट डाउन, मैं उतर गया, एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद किक्ड हिज हील्स, उसके एड़ी पे किक लास्ट से ठोकर मारा, इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और चिल्लाया, मैं उतर गया था, मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया, वजीरे दौड़, बजीरे रन, बजीरे दौड़, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा अपने पिछली टांग पर खड़ा हो गया, स्नॉर्टेड एंड ब्रश्ड इनटू ए फ्री ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट, द हॉर्स टू ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा अपने पिछली टांग पर खड़ा हो गया, स्नॉर्टेड, गुर्राया, गुर्राया, फुफकारा, एंड ब्रश्ड इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज गति से दौड़ चला, दैट वाज द लवलीस्ट, थिंग, जो बहुत प्यारा लग रहा था, आई हैड एवर सीन, जिसको मैंने पहले देखा हो, तब इस चीज़ को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वह मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिश, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, रेस्ड द हॉर्स, घोड़े को दौड़ाया, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखे घास के मैदान से, टू एन इरिगेशन डिच, एक सिंचाई वाले ताल पर ले गया, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े ने उस गड्ढे को पार कर लिया, एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद रिटर्न लौट आया, ड्रिपिंग वेट, पूरी तरह से पानी से भीगा हुआ। द सन वाज कमिंग अप, सूरज ऊपर की ओर आ रहा था, सूरज ऊपर उठ रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा, अब इस घोड़े पर चढ़ने पर मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया, राइट ही से, उसने कहा चढ़ो, लो सवारी कर लो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट अवफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल कर घोड़े के पीठ पर बैठ गया, एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट अवफुल फियर इमेजिनेबल, और एक क्षण के लिए मैं बहुत भयभीत मैंने महसूस किया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा टस से मस नहीं, मतलब घोड़ा वहाँ से हिला तक नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, उसके एड़ी पर ठोकर मारू। माई कजिन मुराद से, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, इसके एड़ी पर ठोकर मारो। वाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्या प्रतीक्षा करो, किस बात का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गो टू टेक हिम बैक, हमें उसे वापस भी ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, एवरीबडी अप मतलब सभी लोगों के उठने तक, मतलब इस संसार को उठने तक, तब लोगों के जागने से पूर्व हमें इस घोड़े को वापस भी ले जाना है। I kicked into the muscles of the horse, मैंने घोड़े के एड़ी पर ठोकर मारी।
वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार ये पुनः दहाड़ा और फुफकारा। देन इट बिगेन टू रन, इसके बाद ये दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब मुझे क्या करना क्या चाहिए, मैं इसको नहीं जानता था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रान हेलावियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइंस। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों को पार करके, टू द इरिगेशन डिच, सिंचाई वाले ताल की ओर, हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रान हेलावियन, बजाय घोड़ा सड़क पर डिक्रान हेलावियन अंगूर के बाग में पहुंच गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइंस, जहां पर यह अंगूरों की बेल पर उछलने लगा। द हॉर्स लीप ओवर सेवन वाइंस बिफोर आई फेल, मेरे गिरने तक, उसने सात बेलों को रौद दिया और मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, इसके बाद ये दौड़ना जारी रखा, मतलब ये दौड़ता रहा। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद केम आया रनिंग, दौड़ते हुए द रोड सड़क पर, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ते हुए सड़क पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, सारे वो चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ मैं उस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपान हिम, यदि तुम उसको पा जाओ भी काइंडली, तो धैर्य दयालु बना बिना में रहना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर भाग चला। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर चला। एंड माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेत की ओर गया। टुवार्ड द इरिगेशन डिच, जहाँ पर वह सिंचाई की ताल थी, तो मेरा भाई खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसे घोड़े को वापस लाने में आधे घंटे लगे, तो उसे घोड़े को खोजने में और लाने में कोई आधा घंटा लगभग लगा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, इसके ऊपर सवार हो जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सारा संसार जग चुका है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम या तो इसे वापस कर देंगे या कल सुबह तक इसे छिपा देंगे। He didn't sound worried, तब तो उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी। And I knew he had hired him, और मैं जानता था कि वह इसे छिपा देगा। And not take him back, और वापस नहीं करेगा, तो वापस नहीं पहुँचाएगा। Not for a while, कुछ समय तक कम से कम, at any rate, किसी भी कीमत तक तो नहीं। Where will we hide him? I said, मैंने कहा, हम इसे कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said, उसने कहा कि मैं एक स्थान जानता हूँ। How long ago did you steal this horse? I said, मैंने पूछा, How long ago did you steal this horse? तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था?
विद्यार्थियों, अब इसके बाद जो शेष भाग बचता है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक्स।